हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कॉपर टी से वज़न बढ़ता है। जी हाँ, क्या कॉपर टी से आपको मोटापा आ सकता है? जो बहुत से महिलाएं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, अब क्लिनिक में भी डॉक्टर से ये सवाल पूछे जाते हैं हरदम से कि क्या कॉपर टी से मैडम वो मोटापा होता है, तो फिर मुझे कॉपर टी नहीं बिठवानी है। सो ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में आज हम जानने वाले कि क्या सचमुच में कॉपर टी से मोटापा बढ़ता है, इसमें कितनी सच्चाई है, राइट? सो फर्स्ट थिंग, अगर कॉपर टी से रिलेटेड आपने ये पूरी सीरीज़ नहीं देखी है, तो ये ईच एंड एवरीथिंग, हर सवाल का जवाब मैंने इस सीरीज़ में देने की कोशिश की है, वो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग जो कॉपर टी के बारे में पूछी जाती है वो ये है कि क्या मैम कॉपर टी पेट में तो नहीं चली जाएगी? मैडम, कॉपर टी का अगर धागा निकल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? या फिर मैंने सुना है कि कॉपर टी से मोटापा बढ़ता है। सो ये सब चीज़ें होती है कॉपर टी नहीं लगवाने के लिए। सो ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको इसके बारे में जाना है तो इस प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट शॉर्टली रिव्यू कि कॉपर टी क्या होती है। सो कॉपर टी, इसे नाम ऐसा क्यों दिया गया है? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है टी, उसके आकार का ये प्लास्टिक का डिवाइस होता है और उसके अराउंड एक थिन कॉपर कॉइल लपेटी हुई होती है, राइट? सो ये कॉपर कॉइल विद दैट प्लास्टिक डिवाइस, उसे हम कॉपर टी कहते हैं। जब ये कॉपर टी किसी महिला के गर्भाशय में हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे ये जो कॉपर कॉइल है, तांबे की जो कॉइल है, वहाँ पे कॉपर आयंस रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये कॉपर आयंस आपके स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर स्पर्म को एग तक यानी कि बीज तक नहीं पहुंचने देंगे, राइट? और इवन इफ पहुंच भी गए तो जो भ्रूण तैयार होगा वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ कॉपर आयंस है और मैकेनिकल वो कॉपर टी भी हमने वहाँ पे फिट कर दी है, राइट? इस तरीके से ये गर्भ रुकता है। तो ये पूरे कॉपर टी के डिवाइस में हार्मोन्स कहीं नहीं है, राइट? जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ये हार्मोन्स होते हैं ये गोलियों में। सो ये थोड़ा बहुत आपके मासिक धर्म या मासिक चक्र के साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो नई गोलियां हैं उसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कॉपर टी में तो सिर्फ कॉपर आयंस है, बाकी कोई हार्मोन्स लगे होते हैं। मैं हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस के बारे में फ़िलहाल बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो कॉमनली यूज्ड कॉपर टी हम जो गर्भ निरोधक करके यूज़ करते हैं उसके बारे में हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो उसमें कोई हार्मोन्स नहीं लपेटे हुए होते हैं, उसमें सिर्फ कॉपर आयंस होते हैं। सो जनरली हार्मोन्स नहीं होने की वजह से इसमें कॉपर टी अगर आप बिठाते हो तो इसमें कोई वज़न नहीं बढ़ता है। सो ये दिमाग में अगर आपके बात है तो इसे आज ही निकाल दीजिए कि कॉपर टी से वज़न बढ़ता है। फिर कुछ महिलाओं का कहना ये भी होता है, मैम मेरे फ्रेंड ने, मेरे रिलेटिव ने ये कॉपर टी बिठवाई थी बट उसके बाद में उसका वज़न बहुत बढ़ गया है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सिंपल सा है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो डाउन हो सकता है, राइट? सो आपके डाइट चेंजेस होते हैं, आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस होते हैं, ये हम कभी मार्क नहीं करते हैं या फिर हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना होता है कि ये सब चेंजेस हमारे लाइफ में हो रहे हैं। तो दिन भर भी आप काम करते हो बट एक्सरसाइज नहीं करते हो, तेल तीखा मसाले खाते हो, तली हुई चीज़ें खाते हो, राइट, जंक फूड खाते हो, तो आपका वजन तो बढ़ना ही है, राइट? सो ये चीज़ें मेनली होती है और हम ब्लेम देते हैं कॉपर टी या कोई भी गर्भ निरोधक साधन के ऊपर। सो आपको वाइजली थिंक करना है, वाइज डिसीजन लेना है और उस प्रकार से आपको सिर्फ वजन बढ़ता है या मोटापा बढ़ता है इसलिए कॉपर टी नहीं बिठानी है, ये डिसीजन नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कॉपर टी बिठवानी है या नहीं। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।